उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान पर हुई चोरी का किया खुलासा। तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी देहात सूरज राय ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया, 17 तारीख में थाना देवबंद से सूचना मिली थी कि मैन बाजार में अर्पण ज्वेलर्स के नाम से एक सुनार की दुकान है। उन्होंने बताया, चोरों द्वारा छत के रास्ते से जाकर चार ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए देवबंद थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। सभी अधिकारियों और थाने के फोर्स द्वारा मौके का मुआयना किया गया। उन्होंने बताया है कि हम लोगों ने टीम गठित कर दी थी इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए। उन्होंने बताया, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि देवबंद थाना पुलिस ने 48 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण ही नहीं किया बल्कि जो कैश था वह पूरा बरामद कर लिया है। देखिए, 17 तारीख को थाना देवबंद से सूचना मिली कि मेन बाजार में अर्पण ज्वेलर्स एक सुनार की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, उस पे ऊपर से चढ़ के छत से चार ताले तोड़ के और चोरी की घटना कारित की गई है। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और सभी अधिकारियों के द्वारा और थाने की पुलिस के द्वारा घटना का मौका मुआयना किया गया और हम लोग ने टीम गठित कर दी इस घटना का सफल अनावरण के लिए। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 48 घंटे के अंदर थाना देवबंद पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण ही नहीं किया है बल्कि लगभग 100% बरामदगी की है और जितना इसमें कैश गया था पूरे कैश की पूरी बरामदगी है और इसके साथ जो ज्वेलरी गई थी लगभग 90% ज्वेलरी की बरामदगी है। इसमें दो अभियुक्त चोरी करने वाले और एक जो कि रिसीवर ऑफ स्टूडेंट प्रॉपर्टी था, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। इनको गिरफ्तार करके और कारागार भेज दिया गया। देखिए, लगभग 3 लाख का इन्होंने बताया था कि चोरी हुई है कैश और सोना मिलाकर और गिरफ्तार एक अभियुक्त है। बताया जा रहा है कि जो मोबिन काला उसका भाई है, जो पहले कई लूट में शामिल रहा देवबंद से। देखिए, इन सब बिंदुओं पे विवेचना जारी है और इसमें और पड़ताल की जाएगी, जैसी भी चीजें होगी विवेचना में उसको इम्प्रूव किया जाएगा। पुलिस ने कुछ इनाम की भी घोषणा की है। अधीक्षक महोदय ने इस गुटबल के लिए 25,000 रुपये का इनाम यहाँ पुलिस टीम को दिया है। इस घटना का इतनी जल्दी सफल अनावरण और पूरी बरामदगी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।